हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, टाइटल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा, आज का जो वीडियो है हमारा मीशो ज्वेलरी हॉल वीडियो होने वाला है। बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ ज्वेलरी का। एक्चुअली बहुत सारी ज्वेलरीज ना मैंने ऑर्डर कर दी थी, आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है मेरा ज्वेलरी हॉल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे भी लग रहा था कि मैं बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ, बट एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ तो उसमें से मुझे रिसीव हो गई है और कुछ नहीं, बहुत कम, और बहुत सारी जो ज्वेलरी है वो बाद में रिसीव होनी है। तो बट मुझे वीडियो शूट करना था तो आप लोगों के साथ शेयर करना था, बट जितना आ चुका है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको ज्वेलरी का कलेक्शन अपना दिखाऊंगी मीशो का ही, तो बने रहना मेरे इस चैनल पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, प्रेस कर देना उसको, सो दैट आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है, तो फर्स्ट मैं आपको बहुत ही प्रिटी सा नेक पीस आपको दिखाती हूँ, जो कि ब्लैक कलर में है और वो पूरा ना इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल में है। बहुत ही ज्यादा प्रिटी है एंड गाइस इतना अफोर्डेबल है कि जस्ट आप इसको ग्रैब कर लो, बिकॉज ब्लैक कलर के ना बहुत जल्दी मिलते नहीं है, वो भी इतने कम प्राइस में। और सी, आप ये देख सकते हैं पूरा क्रिस्टल है। मैं इसका ट्रायन लगा दूंगी साइड में, मे भी हो सकता है मैं इसके साथ ही ट्रायन करके दिखा सकूं या पुरानी अपना उसका वीडियो डाल दूं मैं। तो इस तरीके की यहाँ पर बीट्स हैं एंड ये वाले जो बीट्स अगर आप देख रहे होंगे ना, तो इसमें ना हल्का हल्का सा ना ये जो स्टोन्स होते हैं ना शाइनिंग वाले, वो लगे हुए हैं एंड यहाँ पर इस तरीके से, एंड ये लेयर्ड में है। बहुत प्रिटी लगता है गाइस ये साड़ी सूट, प्लेन सॉलिड कलर की साड़ी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। डोरी है इस तरीके की एडजस्टेबल एंड इसके साथ जो इयररिंग्स आए हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी है। सी, हैंगिंग में है ये, सी इस तरीके के हैं ये, ऊपर सेम ऐसा ही है जैसे नेकलेस में है ना, एंड नीचे इस तरीके से ये लगे हैंगिंग्स में है, अच्छे लग रहे हैं। नीचे पर्ल्स भी हैं, तो इनको भी अगर आप सिंगल सिंगल वेयर करना चाहो तो वो भी वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। एक इसमें ना मैंने एक हैवी ज्वेलरी सेट भी ऐड किया है कुंदन का ही। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं कुछ अफोर्डेबल कुंदन का ज्वेलरी सेट आपके साथ शेयर करूं, तो गाइज ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इतने कम प्राइस में ना हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं चीप क्वालिटी हो, बट नो गाइज बहुत अच्छा है, कुंदन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नीचे इस तरीके के ग्रीन वाले पर्ल्स है एंड सी ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, मतलब ये ना इतना ज्यादा मतलब फ्लेक्सीबल है कि जो हार्ड वाले होते हैं ना वो तो मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा वो तकलीफ पहुंचाते हैं, बट इस तरीके के जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना वो स्किन पर काफी अच्छे रहते हैं। एंड ये सूट साड़ी की जिस भी किसी के साथ आप वेयर करना चाहें आप वेयर कर सकते हैं, वेडिंग वेयर है, पार्टी वेयर है, तो 100% इसको मैं बोलूंगी कि आप इसको परचेज करिए। इसके साथ ना आपको मिलता है इस तरीके के इयररिंग्स, सभी की मैं पिक्चर्स डाल दूंगी, एंड इसके साथ आपको मांगटीका भी मिलता है। इसमें कलर ऑप्शंस हैं दो तीन, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप बाय कर सकते हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं नेक्स्ट जो है। नेक्स्ट बहुत ही प्रिटी से मैंने ये झुमकियां ली है, मतलब चांदबली टाइप की, एंड बहुत ज्यादा प्रिटी गाइस, कलर बहुत प्रिटी है इसका, ग्रीन कलर, ये येलो के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं येलो ग्रीन का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है एंड ये ग्रीन के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के, अब जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो यू नो कुर्ती आप लाइट वेट पहनी और इस तरीके के इयररिंग्स आप वेयर करिए तो अच्छा लगता है एंड बहुत लाइट वेट है। ये आपका गोल्डन ऑक्सीडाइज में है एंड ग्रीन कलर का, इस तरीके से इस पर एनिमल जो क्या बोलते हैं इसको प्रिंट है, क्या है, मीनाकारी है वो है, एंड अफोर्डेबल है तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो में ना मैंने आपके साथ अपना एक बैग का भी रिव्यू शेयर करना है। बहुत सारे बैग का रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ज़ूक ब्रांड का ही गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांड है, इतने अच्छे अच्छे प्रिंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ना, इंडियन क्लासिक प्रिंट्स। तो आप देख सकते हैं ये वाले प्रिंट में ना मैंने अगेन ऑर्डर किया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था डफल बैग, मेरी फ्रेंड को तो बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो सेम वही प्रिंट में ना मैंने ये वाला बैग ऑर्डर किया है। ये इसको आप ऑफिस में भी मतलब लेके जा सकते हो, काफी स्पेशियस है। इस पर आप प्रिंट देख सकते हैं पूरा जो मुगल आर्ट प्रिंट है ना, सेम वही प्रिंट है जो उस डफल बैग में था। सी, फ्लोरल प्रिंट है एंड ये जो आप देख सकते हैं ना, ज़ूक बैग की स्पेशलिटी ये होती है गाइस कि ये एक तो इंडियन ब्रांड है, सबसे अच्छी बात ये पेटा अप्रूव्ड है एंड ये जितना भी आप लेदर आप देख रहे हैं ना, ये इनका बिल्कुल वीगन लेदर ये यूज करते हैं, वीगन प्रोडक्ट्स होते हैं इनका, हैंडमेड होते हैं एंड ये लोग ना जूट के बैग्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो सभी तरीके के बैग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्रुएल्टी फ्री होते हैं। तो गाइस इतनी ज्यादा स्पेशलिटी इस बैग्स में है, इस ब्रांड में है, तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्राई करना चाहिए।
इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। सी यहाँ पर आपको प्रिंट मिल जाएगा जू जो ब्रांड है उनका, एंड इस तरीके की आपको मिल जाती है यहाँ पर जिप, एंड काफी स्पेशियस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि बहुत सारे पेपर बैग्स हैं, पेपर्स हैं इसके अंदर, तो मैं इसको निकाल कर आपको दिखाती हूँ। हमें रखना भी चाहिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इससे ना बैग की शेप एक्चुअली बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है। एक और इक्कर, इसमें ना इक्कर प्रिंट भी आपको मिल जाएगा, वो भी मैंने अपने लिए बाय किया है। एक्चुअली ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो ये तो मैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करने वाली हूँ। डेफिनेटली गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा, आप अपनी मदर को, फ्रेंड को, सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हैं। सी बहुत स्पेशियस है, आप इसमें लंच बैग अपना कैरी कर सकते हैं और भी ऑफिस का स्टफ इसमें कैरी कर सकते हैं। कहीं आप जा रहे हैं आउटिंग के लिए एक दो दिन के लिए, तो यू नो एक दो एक पेयर तो इसमें आ ही सकता है। सी यहाँ पर आपको मिलते हैं दो कंपार्टमेंट्स, और सी दो कंपार्टमेंट्स है, एंड यहाँ पर आपको मिल जाती है एक जिप। तो गाइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप सोच सकते हैं कि थर्ड टाइम मेरी परचेजिंग है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है इस बैग में, ब्रांडेड है और डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप मेरे दिए लिंक से अगर आप बाय करते हैं, अगर आपको बैग अच्छा लग रहा है, बहुत तरीके के बैग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको लाइक स्लिंग बैग मिल जाएगा, टोट बैग्स मिल जाएंगे, डफल बैग मिल जाएगा, बोहो बैग मिल जाएगा, क्लचेस मिल जाएंगे। तो अगर आप इसमें से कोई भी ब्रांड, इस ब्रांड में से कुछ भी बैग आप बाय करते हैं, तो अगर आप मेरे दिए कूपन कोड से बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस सभी बैग की या यू नो वेबसाइट का जो लिंक वगैरह है, इंस्टाग्राम का है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप जरूर उसको चेक करें। तो गाइस नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ हम मूव ऑन होते हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत टाइम मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मतलब बहुत बार की मैं कुछ ऐसी ज्वेलरी लेकर आऊं बच्चों के लिए, किड्स के लिए आपके, और यू नो हैंडमेड ज्वेलरी हो ताकि बच्चों की स्किन पर वो यू नो अच्छा रहे। तो ये सारी ज्वेलरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये ब्रांड है राधा रतन, एंड गाइज इनकी जो ज्वेलरी होती है बहुत ही अच्छी होती है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको किड्स के लिए दिखाती हूँ। तो अगर आपको ना यू नो बच्चों के लिए इस तरीके, जैसे स्कूल वगैरह में फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो इस तरीके की आप यू नो माला ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा हैंडमेड है ये, एंड बहुत प्रिटी लगता है। ब्लैक कलर है तो यू नो सभी आउटफिट के साथ अच्छा लगता है। व्हाइट पर्ल्स भी है इसके अंदर, गोल्डन कलर का यार है, आप भी वेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किड्स ही। एक्चुअली इसके साथ ना मैंने पूरा सेट बना लिया था, सो दैट आप भी यू नो वेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका ब्रेसलेट देखिए, इसके साथ ये ब्रेसलेट भी है, इस तरीके से ये हैंगिंग में है, एंड बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगेगा, एंड एडजस्टेबल है, तो यू नो वेयर कर सकते हैं आप, कोई भी पहन सकता है। एंड इसमें ये देख सकते हैं आप पीछे ना इनका अपना ब्रांड का लोगो भी है, सी राधा रतन। ये इसके साथ ही मैंने ये वाले इयररिंग्स मंगवाए थे गाइस, इतने प्रिटी लग रहे थे, एंड बहुत लाइट वेट है। पर्ल है तो पर्ल का आपको वेट पता ही है, बहुत लाइट वेट होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा कॉम्बो हो गया कि आप बच्चे बड़े कोई भी वेयर कर सकता है। इनफैक्ट इसमें पर्ल एक ऐसी यू नो ज्वेलरी होती है कि इनफैक्ट बड़ों के ऊपर भी यू नो जो एजेड विमेंस होती है ना उनके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है व्हाइट कलर में, बहुत ही प्रिटी सा ही, इन्हीं इसी ब्रांड का ही ये वाले इयररिंग्स मैंने थोड़ा लॉन्ग में ये ऑर्डर किए हैं गाइस। ये भी बहुत प्रिटी है, बहुत ही ज्यादा, एंड इतने लाइट वेट है कि इजीली आप इनको कैरी कर सकते हैं। सी ये इतना लॉन्ग है कि आपको ना नेक में कुछ वेयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट भी बहुत ही प्रिटी से यू नो ये पर्ल में मैंने रेड कलर में ऑर्डर किए हैं। ये देखो रेड भी, ब्लैक, येलो, व्हाइट सबके साथ बहुत अच्छा जाता है, एंड ये बच्चों के लिए भी ना पर्ल इसलिए थोड़ा इजी होता है, जैसे कि मैंने बताया बहुत लाइट वेट होता है, वो बहुत अच्छे से यू नो आप इसको कैरी कर सकते हैं। चलिए राधा रतन की तो मैंने सिर्फ एक इतना ही मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट, एक बहुत ही प्रिटी सा ब्रेसलेट मैंने ऑर्डर किया था, जो कि अगेन सोरोस्की में ही है। ये इसके साथ भी बहुत अच्छा जाएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया ना सी, ये दो तीन लेयर में है, एंड इसमें ना ब्लैक कलर के पर्ल्स भी है, एंड ये एडजस्टेबल है। सबसे अच्छी बात है कि आप इसको कोई भी वेयर कर सकता है, इनफैक्ट बच्चा बड़ा कोई भी वेयर कर सकता है। तो इसमें ये भी आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा गाइस, बहुत कन्वीनियंट होता है इस तरीके के एडजस्टेबल जो ब्रेसलेट्स होते हैं ना, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं इसके साथ भी। एंड ब्लैक तो ऐसा है कि सभी आउटफिट के साथ, वेस्टर्न के साथ भी आप इसे वेयर कर सकते हैं, इंडियन आउटफिट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बहुत ही प्रिटी सी एक रिंग जो कि मैंने ऑर्डर की है, ये यू नो दो फिंगर में आती है, एंड ये अमेरिकन डायमंड में है गाइज। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं रिंग उतार देती हूँ, इसमें वेयर करके दिखाती हूँ आपको। सी इसे पिंक कलर के इस तरीके से रूबी वाले यू नो क्या बोलते हैं उसको, पर्ल है क्या बोलते हैं, रूबी वाले वो है सी। एंड ये जो आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ना अमेरिकन डायमंड में है सी। एक छोटा वाला फ्लावर है रूबी में, एंड ये बिग वाला है, तो आप इसकी शेप ऐसे आना चाहिए। मैं लास्ट
साइड में पिक्चर लगा दूंगी, बोला भी नहीं जा रहा इतनी गर्मी हो रही है। इसको ना आप ऐसे वेयर करेंगे ना तो बहुत अच्छी लुक आएगी इसी। मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूँ। सी अभी जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो इस तरीके की रिंग्स ना अच्छी लगती हैं यार। एक तो सबसे अच्छी बात है कि एक तो एडी में है एंड कलर बहुत अच्छा है पिंक। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी मैंने मीशो से ही बाय किया है। इस कुर्ती का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, समर पर्पस से है तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आप कितना ज्यादा स्वेटिंग हो गई। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना, एंड चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। बार बार रिमाइंड इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं। चलिए जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए। बाय बाय।